हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज़। ये सीरीज़ किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या क्या टॉपिक इस सीरीज़ में हम कवर करने जाएंगे, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये किन किन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो है बैंक का एग्ज़ाम, इंश्योरेंस, SSC, सिविल सर्विसेज, कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर टीचर या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है। उसके अलावा जो जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो सारे टॉपिक इस प्रकार हैं, यहाँ से लिखिए नंबरिंग 1 से लेके 10 तक, ये सारे टॉपिक हैं जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम 11वां टॉपिक है। आप यहाँ पे सिर्फ देख लें कि क्या क्या मैं कवर कराऊंगा इसमें। इंटरनेट सर्विसेज 12 टॉपिक है और 13 टॉपिक है इंटरनेट सिक्योरिटी, DBMS 14 टॉपिक है, वेब टेक्नोलॉजी 15 टॉपिक है, एब्रीविएशन 16 टॉपिक है, MS ऑफिस, MS विंडो ये 17 टॉपिक है, और रिमेनिंग पार्ट वो रहेगा जो 18 टॉपिकों में से बचा हुआ होगा और जो कुछ टॉपिक्स में से छूट गया होगा वो सारा रिमेनिंग टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो ये सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इस MCQ में हम कवर करेंगे। टोटल कितने वीडियो, तो टोटल इस सीरीज़ में जो वीडियो अपलोड होंगे वो 45 वीडियो होंगे। 45 वीडियो में से 3 कंसेप्चुअल वीडियो होंगे जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सारे अपलोड करूँगा मैं, और उसके अलावा 15 वीडियो जो होंगे वो MCQ के वीडियो होंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो उसी के बारे में हम देखते हैं। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ने से पहले कुछ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और आगे जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपके लिए यूजफुल होगा। अच्छा, जो फंडामेंटल अभी हम पढ़ेंगे वही मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जो अभी डेफिनेशन देखते हो कंप्यूटर की डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से पढ़ते होगे कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे ये वर्ड इलेक्ट्रॉनिक यूज़ हुआ है, इस इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो से चलने वाली डिवाइस है, बट क्या यही अपने लिए काफ़ी है? तो यहाँ पे एक वर्ड इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इसके अंदर या फिर इंटीरियर जो पार्ट्स होंगे वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बने होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। मतलब कि जो कंप्यूटर बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना हुआ है और इनके अंदर के पार्ट ये सारे ही इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होंगे। अब यहाँ पे डेफिनेशन कुछ ऐसी थी कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। मान लेते हैं कि मुझे 2 नंबर का सम कराना है, वो 2 नंबर 3 और 5 है, तो मुझे इन 2 नंबर का सम कराना है, वो नंबर 3 और 5 हैं, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? 8। तो ये जो 3 और 5 हैं ये मेरे लिए डेटा हैं और जो 8 है वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन और डेटा में फ़र्क इतना है कि डेटा जो है वो रो फैक्ट को बोला जाता है, रो फैक्ट और अनप्रोसेस इन्फॉर्मेशन या फिर अनप्रोसेस डेटा और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये सारा डेटा को बोला जाता है। और इन्फॉर्मेशन यूजफुल डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा, ये सारा ही इन्फॉर्मेशन के बारे में बोला जाता है। अब ये जो 3 और 5 को इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही 8, क्योंकि मैंने क्या बोला मुझे इन 2 नंबर का सम चाहिए, तो इन 2 नंबर का सम मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है,
अब ये कंप्यूटर को कैसे बताया जाए कि इन दो नंबर को ऐड करना है, तो इन दो नंबर को आपको ऐड करना है या फिर इन दो नंबर पे ऑपरेशन करना है, ये कंप्यूटर को बताने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं। ये कंप्यूटर को आपको बताने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही आप प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन, जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है, मींस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो दो नंबर हमारे लिए डेटा है, उनका सम इंफॉर्मेशन है, बट उन दो नंबर को ऐड करना है, सब्स्ट्रैक्ट करना है, तो ये बताया जाएगा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देके, और ये इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को ही प्रोग्राम कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर इन प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, मींस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो ये सारी हमने चीज़ें देखी कि डेटा क्या है, एक अनप्रोसेस फैक्ट या फिर रॉ फैक्ट ये डेटा है, इन्फॉर्मेशन क्या है, यूजफुल डेटा। अब यहाँ पे आपने देखा कि कंप्यूटर डेटा लेता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा ले रहा है और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैसे उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा प्रोग्राम की मदद से कि भाई तुम्हें डेटा को ऐड करना है या फिर सब्स्ट्रैक्ट करना। अब हम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को और एक्सपांड करते हैं, तो अगर मैं उसके स्ट्रक्चर को और एक्सपांड करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर आपने देखा होगा। ये होता है सीपीयू, और ये होती है इनपुट डिवाइस इनपुट, और ये होता है आउटपुट। अब सीपीयू को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वो यूनिट होती है जहाँ पे सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। मेमोरी यूनिट वो होती है जहाँ पर कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म किया जाएगा तो उसका रिजल्ट और उसके इनपुट को सेव किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट सिग्नल को जनरेट करती है, तो इनके बारे में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, जहाँ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो डेटा दिया जाएगा वो डेटा कलेक्ट करने का काम इनपुट यूनिट का है, और उसको कलेक्ट करने के बाद सीपीयू को देने का काम इनपुट का है। तो सीपीयू, क्योंकि ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड डिवाइस है, बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड डिवाइस है, तो अगर ये बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड डिवाइस है तो ये जीरो और वन ही समझ पाएगी। और जो डेटा है, डेटा जो कि रॉ फैक्ट्स और फिगर होते हैं, और डेटा की अगर मैं बात करूं तो वो हर एक चीज जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो एक इमेज हो, चाहे वो एक वीडियो हो, चाहे वो एक ऑडियो हो, ये सारे ही क्या हैं, डेटा हैं। क्योंकि डेटा का जो फॉर्मेट है वो कहीं नंबर होंगे, डिजिट्स होंगी, लेटर होंगे, एक इमेज होगी, बट कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी को समझता है। तो ये जो इनपुट डिवाइस है ये डेटा यूज़र से यूज़र की लैंग्वेज में लेगा, और बाद में इनपुट डिवाइस इस डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, मींस 0 1 0 1 इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करके सीपीयू को देगा। सीपीयू अपना काम करेगा, सीपीयू प्रोसेसिंग का जो भी पार्ट होता है वो एएलयू को देगा, और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो भी है, प्रोसेसिंग करने के बाद, डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, और इन्फॉर्मेशन 0 1 0 1 के फॉर्म में आउटपुट यूनिट को दे दी जाएगी। क्योंकि आउटपुट यूनिट को दी गई इन्फॉर्मेशन बाइनरी में होगी, बट यूज़र बाइनरी नहीं समझ सकता, इसलिए ये आउटपुट यूनिट बाइनरी को ट्रांसलेट करेगी यूज़र की लैंग्वेज में, जिसमें यूज़र इसको समझ सके। तो कुछ इस तरीके की फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, जो कि बेसिक फंडामेंटल थे इस हिस्ट्री को समझने के लिए जो मैंने आपको डिस्कस किया। हिस्ट्री देखने से पहले दो तीन चीज़ों के बारे में और डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में तीन चीज़ें आपको मिलेंगी। पहले जब कंप्यूटर का स्टार्ट होगा हिस्ट्री, तो जो डिवाइसेस हम देखेंगे वो मैकेनिकल डिवाइस देखेंगे, आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो डिवाइसेस मिलेंगी हमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल,
और अभी की अगर हम बात करें तो जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं। तो अगर अभी की बात करूँ कि डेफिनेशन ऑफ जो कंप्यूटर हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट एक्चुअल में जब इन्वेंशन या फिर एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कंप्यूटर का तो वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी, मैकेनिकल डिवाइस थी। तो मैकेनिकल डिवाइस क्या होती है उसके बारे में मैं बात करूं तो वो हर एक डिवाइस जो कि मैकेनिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करती है उसे मैकेनिकल डिवाइस कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं गियर हुआ, शाफ्ट हुआ, लीवर्स हुआ, तो इनसे बनाई गई सारी डिवाइसेस क्या हैं? मैकेनिकल डिवाइस। इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस स्विचेस और रिले यूज़ करती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, चाहे वे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, तो इनसे बनाई गई सारी डिवाइसेस क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल डिवाइस की। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया और उसका नाम क्या था? तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जिसने बनाया वो थे चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। और इस कंप्यूटर की अगर बात करें तो इस कंप्यूटर का नाम था एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि उनके अगर आप एनालिटिकल इंजन की बात करें तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर बताया है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर बताया है, तो चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था जो कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जिसको कहा जाता है, इस इंजन में भी इन्होंने इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, स्टोरेज की और जो सीपीयू है वो इनके लिए मिल था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर में आप देखते हैं वो सारी ही इनने इसमें डिस्कशन करी थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस जो बनाई गई थी वो हरमन हॉलरिथ के द्वारा बनाई गई थी। हरमन हॉलरिथ के द्वारा बनाई गई जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस थी वो थी टेबुलेटिंग मशीन। ये सारी डिस्कशन करेंगे बट अभी यहाँ पे ये जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर जो था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर जो कि फुल्ली प्रोग्रामेबल था, जिसको ट्यूरिंग कंप्लीट भी बोलते हैं, वो था एनीएक, एनीएक। और पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि कमर्शियली यूज हुआ वो था यूनिविक। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम जल्दी से देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। एबेकस 3000 से 2000 BC के बीच में डिस्कवर्ड हुई डिवाइस थी, इन्वेंट हुई डिवाइस थी, और जिस देश ने इसको इन्वेंट किया था उसका नाम है चाइना। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली डिवाइस कौन सी थी तो आपको टिक करना है एबेकस। अब ये डिवाइस कैसी थी तो जरा सा मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। तो एक लकड़ी की डिवाइस थी जिसमें कि एक तार इस तरीके से बीच में से निकला हुआ रहता है और ये वर्टिकल तार्स रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ बीट्स या फिर मोती होते हैं, ठीक है ना, तो ऊपर की साइड एक एक मोती होता है और जो नीचे की साइड है वो चार मोती इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से चार और इस प्रकार से ये चार चार मोती आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो ऊपर के जो मोती हैं वो 5 वेटेज रखते हैं और जो नीचे का एक मोती है वो एक एक वेटेज रखता है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है। और अगर मुझे इस एबेकस में 6432 लिखना है, 1000 प्लेस पे 6 चाहिए मेरे को, 100 प्लेस पे 4 चाहिए और टेंस प्लेस पे 3 चाहिए और यूनिट प्लेस पे 2 चाहिए, तो मैं क्या दूसरी जो डिवाइस उसके बाद वाली जो डिवाइस है वो है नेपियर बोन। नेपियर बोन 1617 में डिस्कवर की गई और किसके द्वारा डिस्कवर की गई? जॉन नेपियर के द्वारा। ये डिवाइस फास्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होती थी, फास्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होती थी क्योंकि इसका नाम था
नेपियर बोन्स, तो ये बोन्स से बनी हुई डिवाइस थी, हड्डियों से बनी हुई डिवाइस थी। अब जो एबिकस है, एबिकस किस किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लस माइनस और किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर मुझे निकालना है तो एबिकस यूज़ किया जाता है। आज भी एबिकस अगर आप देखेंगे तो कई रशिया और चाइना के स्कूलों में और हमारे इंडिया के भी कई स्कूलों में ये चीज़ सिखाई जाती है मेंटल कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगली जो डिवाइस है वो है पास्कलाइन। पास्कलाइन को पास्कल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। पास्कलाइन को आपको पास्कल कैलकुलेटर या फिर एडिंग मशीन, पास्कल कैलकुलेटर या फिर एडिंग मशीन, यहाँ पे जो ब्रैकेट मैंने लगाए हैं पिंक कलर में, ये इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। पास्कलाइन या फिर पास्कल कैलकुलेटर या फिर एडिंग मशीन, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये ब्लेस पास्कल के द्वारा बनाई गई थी और ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, तो आपको बोलना है पास्कल कैलकुलेटर या फिर पास्कलाइन। किस ईयर में, तो 1642, किसके द्वारा, ब्लेस पास्कल के द्वारा। इसके बाद जो अगली मशीन थी वो थी जैक्वर्ड लूम, 1801, जोसफ मेरी जैक्वर्ड के द्वारा, जोसफ मेरी जैक्वर्ड के द्वारा। ये जो कॉटन क्लोथ होते हैं, जैसे कि कोई क्लोथ है, उस क्लोथ्स पे जो आप पैटर्न देखते हैं, उस पैटर्न को बनाने के लिए पहली ऑटोमेटिक मशीन थी जो कि जोसफ मेरी जैकवर्ड के द्वारा बनाई गई थी। इस मशीन में ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं वो मेटल्स जो रहते हैं, बहुत सारे मेटल्स इस लीनियरली इस तरीके से लगाए जाते थे और उनमें होल किए जाते थे। इन होल की मदद से ये पैटर्न बनाया जाता था। जैसे कि आपने वो देखे होंगे राउंड एंड राउंड घुमाते घुमाते, पहले आते थे जब पहले के टर्म में आते थे, जिसमें लीडें बार बार घुमाई जाती थी और एक शेप बन जाता था। उसी तरीके से आइडिया इन्होंने लगाया जैकवर्ड लूम्स में और इस तरीके से पैटर्न बनाए गए। आगे अगर आप देखें तो आगे की जो मशीन है वो है डिफरेंस इंजन 1822, और उसके बाद जो है वो एनालिटिकल इंजन 1837। ये दोनों ही डिवाइस जिसके द्वारा बनाई गई थी वो थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, मींस कंप्यूटर का जनक। और इनके द्वारा बनाई गई मशीन डिफरेंस इंजन, और बाद में जो बनाई इनने एनालिटिकल इंजन, जिसको फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा जाता है। आज के जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं उनमें जो जिस तरीके से इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, स्टोर करने के लिए डिवाइस होती है, इसी तरीके से सेम चार्ल्स बेबेज की जो मशीन थी उसमें भी इन्होंने सेम ही डिवाइस, जैसे कि इनपुट डिवाइस होगी, आउटपुट होगी, और जो सीपीयू की जगह मिल यूज़ करते थे, इसलिए इन्हें फर्स्ट मैक इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसी दौरान क्योंकि एनालिटिकल इंजन काफ़ी चर्चाओं में था, तो उस पर एक आर्टिकल लिखा हुआ, वो आर्टिकल इटालियन इंजीनियर ने लिखा था, और उस आर्टिकल को कन्वर्ट किया इंग्लिश में, वो किया था कन्वर्जन लेडी एडा अगस्ता ने, और इन्हीं को लेडी लेडी एडा अगस्ता को ही एडा लवलेस भी कहा जाता है। ये जो आर्टिकल अगस्ता ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ये ट्रांसलेशन उस ओरिजिनल आर्टिकल का 3 टाइम्स था, 3 गुना। इस आर्टिकल में लेडा अगस्ता ने प्रोग्राम के कई कंसेप्ट बताए थे। इन्होंने कोई प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन के लिए नहीं लिखा था, एनालिटिकल इंजन पे एक आर्टिकल लिखा हुआ था, उसको ट्रांसलेट किया था, और उस ट्रांसलेशन में इनने कई ऐसी चीज़ें प्रोग्रामिंग की वहाँ पे लिखी थी, जैसे कि लूपिंग। एक लूपिंग होती है जिसमें फॉर लूप व्हाइल लूप आपने पढ़ा होगा, एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज़ को बार बार करना। तो आज जो जानते होंगे प्रोग्रामिंग वो इससे रिलेट कर सकते होंगे। तो इन्होंने उसी टाइम ये सारी चीज़ें लिख दी थी जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। अगली जो डिवाइस थी वो थी टेबुलेटिंग मशीन, जो कि 1880 में हरमन हॉलरिथ के द्वारा इन्वेंट की गई थी। हरमन हॉलरिथ के द्वारा इन्वेंट की गई थी ये टेबुलेटिंग मशीन। अमेरिका की पॉपुलेशन सेंसिस में यूज़ की गई थी, मींस अमेरिका की जनगणना में ये यूज़ की गई थी। और जो
इनपुट मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया गया, वो इस डिवाइस में डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया गया था पंच कार्ड। पंच कार्ड का यूज़ डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया गया था, और डेटा कलेक्ट करने के बाद ये मशीन एक समय में सिर्फ एक ही पंच कार्ड को रीड कर पाती थी। टेबलेटिंग मशीन उस टाइम की बहुत ज़्यादा फेमस मशीन थी, और 1896 में टेबलेटिंग हरमन हॉलरिथ ने टेबलेटिंग मशीन कंपनी इस्टेब्लिश करी। बाद में उन्होंने ये मशीन कंपनी आईबीएम को बेच दी, और आईबीएम ने इसको 1924 में एक्वायर कर लिया। तो उसके बाद जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कितनी फेमस होगी टेबलेटिंग मशीन के 1896 में इन्होंने एक कंपनी बनाई, और उस कंपनी को फिर 1924 में आईबीएम को बेच दिया। यहाँ पे आईबीएम का फुल फॉर्म पूछ लेते, तो आईबीएम का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद एक और कंप्यूटर आया था एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो उसके बाद ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं एनीएक, एनी एक बड़ा फेमस कंप्यूटर है, और इसको डिस्कवर करने वाले जो हैं जेपी एक्यार्ड एंड जेडब्ल्यू मैकली। जेपी एक्यार्ड एंड जेडब्ल्यू मॉचली, ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, या फिर मैं इसको बोलूँ फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, या फिर मैं इसको ये बोलूँ कि ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कि ट्यूरिंग कंप्लीट है। क्या है? ट्यूरिंग कंप्लीट। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर जो कि ट्यूरिंग कंप्लीट है। ट्यूरिंग ट्यूरिंग के बारे में अभी मैं डिस्कशन करूंगा, कौन थे क्या थे। पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, फिर पहला जनरल पर्पस कंप्लीट ट्यूरिंग कंप्लीट कंप्यूटर किसने? एनी एक 1946, किसके द्वारा? जेपी इकार्ड एंड जेडब्ल्यू मैकली, जेडब्ल्यू मॉचली, जेपी इकार्ड एंड जेडब्ल्यू मॉचली। एडजिक, एडजिक 1949 में मॉरिस विंसेंट के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, इन्वेंट किया गया, और ये फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर प्रोग्राम। एडजैक फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर प्रोग्राम। उसके बाद एडवेक आया, जो कि फिर जेपी इकार्ड एंड जेडब्ल्यू मॉचली के द्वारा इन्वेंट किया गया। उसके बाद यूनिविक, यूनिविक इम्पॉर्टेंट है, ये डिस्कवर किया गया था 1951 में, किसके द्वारा? जेपी इकार्ड एंड जेडब्ल्यू मॉचली के द्वारा। ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो कि कमर्शियली यूज हुआ था, मतलब कि व्यापार के लिए यूज हुआ था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, फॉर ए कमर्शियल यूज। अब यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म पूछ लेता है, जैसे कि यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है? इतना जो है वो यूनिवर्सल है, ए से ऑटोमेटिक है, और सी से कंप्यूटर। यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद एनी एक का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनी एक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एडजैक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवेक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जल्दी से मैं बता देता हूँ, टेबलेटिंग मशीन हरमन हॉलरिथ पंच कार्ड यूज़ किया था, एनी एक पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि ट्यूरिंग कंप्लीट था, या फिर पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एडजिक पहला कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम स्टोर हुआ, फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर का प्रोग्राम एडजिक। यूनिवेक पहला कंप्यूटर जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हुआ। सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबिज के द्वारा बनाया गया, जो कि था एनालिटिकल इंजन। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो जनरल पर्पस के लिए यूज हुआ और ट्यूरिंग कंप्लीट था, वो था एनी एक। तो ये सारी चीज़ें जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी,
अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं कंप्यूटर के। तो आपको करना क्या है, जो भी फैक्ट मैं पूछूंगा तो आप पहले अपनी मर्जी से उसका आंसर देना, और अगर आपको आंसर नहीं आता तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के जो 10 फैक्ट हम देखने वाले हैं वो आपसे डिस्कशन करता हूं जो मैं पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहला जो फैक्ट है वो है फर्स्ट डिवाइस फॉर अ कैलकुलेशन। तो पहली डिवाइस जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती थी, तो पहली अगर डिवाइस आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है, एबेकस। एबेकस किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, तो इन्वेंट की गई थी चाइना के द्वारा। फर्स्ट एडिंग मशीन, अगर पहली एडिंग मशीन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, पास्कल कैलकुलेटर या फिर पास्कलाइन, और किसके द्वारा, ब्लेस पास्कल के द्वारा। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो इन्वेंट किया गया था वो इन्वेंट किया गया था चार्ल्स बेबिज के द्वारा, चार्ल्स बेबिज के द्वारा, और इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इन्होंने कौन कौन सी डिवाइस बनाई थी, तो इन्होंने जो डिवाइस बनाई थी वो थी डिफरेंस इंजन, और दूसरी जो डिवाइस थी वो थी एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को ही मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर अभी हमने डिस्कशन किया चार्ल्स बेबिज। फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर किसको कहा जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है लेडी एडा अगस्ता, और इन्हीं को एडा लवलेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ फैक्ट जो है वो है फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। अच्छा, यहाँ पे पूछा है पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसको मैं बोलूँ ट्यूरिंग कंप्लीट, और जो फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर वो कौन सा था, एनिएक, कौन सा था, एनिएक। अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो ईयर क्या होगा, 1946। इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, हमने डिस्कशन कर लिया इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर फॉर अ कमर्शियल यूज़, तो कमर्शियल यूज़ के लिए पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया बॉट फर्स्ट कंप्यूटर, इंडिया ने पहला कंप्यूटर खरीदा था। अच्छा, कब खरीदा था, कंप्यूटर का नाम क्या है, और कहाँ पे उसको इंस्टॉल किया गया। तो पहला जो कंप्यूटर इंडिया ने खरीदा था वो था HEC 2M, और किस ईयर में, 1956 में। अच्छा, कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, इंस्टॉल किया गया था इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कलकत्ता में इस्टेब्लिश। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था पहला कंप्यूटर इंडिया ने जो खरीदा था उसका नाम था HEC 2M, 1956, और कहाँ पे इंस्टेब्लिश हुआ पहला कंप्यूटर, कलकत्ता में। नेक्स्ट जो फैक्ट है, अगला जो फैक्ट है वो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, तो पहला सुपर कंप्यूटर जो कि इंडिया में डेवलप्ड हुआ, तो इसका नाम जो है वो है परम 8000, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, सी डेक के द्वारा, किसके द्वारा, सी डेक के द्वारा। और कब, तो अगर कब पूछे तो कितनी तारीख को, 1 जुलाई 1991। कभी कभी आपसे ये सी डेक का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इस सी डेक का जो फुल फॉर्म है वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे अगर इसका ऑफिस पूछा जाए तो सी डेक का जो ऑफिस है वो पुणे में, या फिर हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं वो कहाँ पे, पुणे में। ये कुछ चीज़ें थी। अब एक और जो लास्ट हमारा फैक्ट है वो 10th फैक्ट है, फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, पहला कंप्यूटर जो कि भारत द्वारा निर्माणित किया गया या फिर भारत द्वारा डेवलप किया गया, उसका नाम है टिफ्रेक, टिफ्रेक, TIFRAC, टिफ्रेक। इसका फुल फॉर्म जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, कब, 1960 में। अच्छा, पहला कंप्यूटर जो इंडिया ने खरीदा था वो था HEC 2M, HEC 2M, ये 1956 में खरीदा था और कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था। उसी से रिलेटेड सेम जो कंप्यूटर इंडिया ने बनाया वो 1960 में बनाया, और उसका नाम क्या था, टिफ्रेक। टिफ्रेक का फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये 10 फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कशन किए। अब जो 11वां फैक्ट है वो 11वां फैक्ट है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दुनिया का,
पहला सुपर कंप्यूटर दुनिया का कौन सा था? ये 11वां फैक्ट आपको मुझे बताना है कमेंट करके आपके आंसर, और उनके साथ बताना भी है कि आपको उसका थोड़ा सोच एक्सप्लेनेशन, और बता दें कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको कहा जाता है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।